आपको याद होगा काफ़ी समय पहले अलसी की खेती होती थी ना हमारे देश में। यहाँ पर मैंने आज देखा अलसी की काफ़ी सारी जातियाँ आपने विकसित की हैं BAU में। घोड़ों को खिलाते थे और क्विंटल और टनों के भाव से बिकती थी। आज ये ग्राम में बिकती है, हाँ 100 ग्राम का पैकेट 125-150 रुपये में आता है, यानी 1 ग्राम 1 रुपये का है। ये कैसे हुआ? ये अभूतपूर्व परिवर्तन एक ऐसी अनाज को जो बहुत तृणमूल मानते थे, जिसकी कोई मध्यम वर्ग छोड़िए गरीब लोग भी बहुत ज़्यादा उसको इज्जत नहीं देते थे, उस अनाज को हम सबकी टेबल पर पहुंचाने का काम किस विज्ञान ने किया? गुण उसके मालूम थे, बाजार का अभाव था। कैसे बना? इसको आज हम फंक्शनल फूड की संज्ञा देते हैं, यानी कि ऐसे अनाज या ऐसे खाने के पदार्थ जिनको खाने से हम स्वस्थ हो जाते हैं, हमारी शरीर की कोई विशेष कमी दूर हो जाती है। Omega-3 fatty acid के बारे में कहा गया। तो लोगों के पास ज्ञान तो बहुत कीमती है, उसका सही अगर हम मूल्यांकन कर लें और उसको सही वैज्ञानिक आधार दे दें तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। अलसी इसका अच्छा उदाहरण है। लोगों को मालूम था अलसी के क्या गुण हैं, लेकिन उनके पास वो विज्ञान नहीं था, वो विज्ञान वैज्ञानिकों ने दिया। आज वही अलसी बिना किसी वैल्यू एडिशन के सिर्फ पैक होती है पैकेट में, बस उसको कुछ भी नहीं चाहिए उसकी आयु बढ़ाने के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। और अचानक से कुछ 100 रुपये क्विंटल पर बिकने वाली चीज़ 1000 रुपये क्विंटल से भी ऊपर पहुँच गई। वो 1500-2000 रुपये क्विंटल बिक रही है आजकल वो बाज़ारों में। किसान को, किसान के पास दिमाग तो है, किसान के पास सूझबूझ भी है, किसान के पास अपने तरह का विज्ञान है, लेकिन उस विज्ञान को जोड़ने का काम औपचारिक विज्ञान के साथ जो 30 साल पहले हनीबी नेटवर्क के माध्यम से हमने शुरू किया, वो नदी कभी कभी रुक जाती है, कभी कभी वो झील में परिवर्तित हो जाती है। और जब झील में परिवर्तित होती है कोई नदी, बहुत दिन तो नहीं बहेगी वो। तो आज मैं आपसे जो चर्चा करना चाहता हूँ उसमें यही है कि बार बार जो रुक रही है ये नदी, इसको बहाते बहते रहे ऐसा कैसे व्यवस्था बनाएं? उसके लिए वैशाली साहब ने बड़ा सही कहा कि इसको संस्थागत रूप कैसे दिया जाए, क्या किया जाए ताकि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमारी जो कार्य प्रणाली है यूनिवर्सिटी की, उसमें ये समावेश ऐसा हो जाए कि फिर कोई चीज़ रहे नहीं हमारी नज़र से बाकी व्यवस्था के अंदर। हमें इसके लिए विशेष आग्रह ना करना पड़े। बहुत साल हो गए मुझे, 30 साल हुए लोगों को कहते कहते कहते, भाई इस पर ध्यान दें, इसको आगे बढ़ाएं। अगर हमने ध्यान दिया होता तो शायद हम आज से कहीं पहले बहुत ज़्यादा विकास पा लिया होता देश में। मैं उसके उदाहरण भी आपको दूंगा। आज सबसे पहली चुनौती है किसान को खर्चा कम करने की। कैसे खर्चा कम करें? एक किसान है हरभजन सिंह हिसार में, बोला सर कपास में एक लाइन छोड़कर एक लाइन में पानी दीजिए। क्या होगा? पानी आधा हो गया ना, तो जो पानी देना था उसका आधा दिया हमने, एक बार एक लाइन में, तीसरी लाइन में, पांचवी लाइन में, सातवीं में दिया, दूसरी बार दूसरी लाइन में, चौथी लाइन में, छठी लाइन में दिया, एक लाइन छोड़ के एक बार। तो पहली लाइन का नंबर 2 हफ्ते बाद आएगा या दो बारी के बाद आएगा। जब पानी कम दिया तो पौधों में जो जल की मात्रा है वो कम हो गई, सकुलेंस जिसको बोलते हैं वो कम हो गया, तो कीड़े भी नहीं खाते उसको, तो कीड़ों का भी प्रकोप कम हो गया, और जो खाद दी थी उसका रसाव भी कम हो गया, लीचिंग भी कम हो गई। तो मतलब जो खाद डाली उसका तो ज़्यादा फायदा, पानी की खर्चा पानी का जो था वो कम हो गया। अगर मेरी पैदावार ना भी बढ़े तो मेरा तो मुनाफा तो बढ़ गया भाई। हमारा मकसद आमदनी बढ़ाना है ना किसान की, तो पहला तब पहले उसका खर्चा कम करें। अब सवाल उठता है इस पर प्रयोग कहाँ कहाँ हुए? पाकिस्तान में प्रयोग हुआ इसके ऊपर, इजिप्ट में प्रयोग हुआ, हमारे देश में ज़्यादा प्रयोग नहीं हुए। ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर अगर आप वेब पे सर्च करेंगे अल्टरनेट रो इरिगेशन सिस्टम, आपको कई सारे पेपर मिलेंगे, लेकिन ये तकनीक नहीं बनी, हमारी एक्सटेंशन का मैसेज नहीं बना। ये आपके यहाँ पर सूखा भी आता है, बाढ़ भी आती है इस एरिया में, भागलपुर के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में। अब अगर सूखा आता है और पानी कम है तो क्या करे वो? उसको सोचना पड़ेगा ना कि अगर मैं सभी क्यारियों में पानी ना दूं, एक क्यारी छोड़कर एक में दूं,
तो जितना पानी उससे मेरा जितना खेत संभावित था पुरानी पद्धति से, उसके बजाय दुगने जगह में मैं पानी दे पाऊँगा, फसल को बचा लूँगा। हमने किसानों की आदत खराब कर दी, उनको कहा जितना मर्जी पानी डालो, किस खेत पौधे को पानी चाहिए ही नहीं, पौधे को तो नमी चाहिए। कोई फसल पानी नहीं मांगती है, सिर्फ नमी मांगती है। हमने खेत में पानी भरना शुरू कर दिया, क्योंकि बिजली मुफ्त की थी, हॉर्स पावर बेस पे चल रही था, खर्चा 5 हॉर्स पावर या 10 हॉर्स पावर का मेरा इंजन है, कितना भी चलाऊँगा बिल तो उतना ही आएगा, चलने दो। तो किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि हमने आलसी खेती ले ली, कम श्रम लगाना शुरू किया, ज़मीन भी ख़राब हुई हमारी, और पानी जो व्यर्थ किया वो तो गया ही, और हमारी फसल के अंदर कीड़ों का प्रकोप पड़ा, वो भी ज़्यादा हुआ। दूसरी बात बताता हूँ, हम लोग कच्छ में शोध यात्रा थी, 20 साल की बात, अभी दोबारा जा रहा हूँ, 19 से 25 तक कच्छ में चलूँगा, 42वीं शोध यात्रा है। गर्मी में जाते हैं जहाँ गर्मी पड़ती है, ठंड में जाते हैं जहाँ ठंड पड़ती है। तो वहाँ एक किसान से बात हो रही थी, काफ़ी देर तक बात करते रहे, भाई क्यों रासायनिक दवाइयों का क्या नुकसान है, जैविक दवाई का क्या फ़ायदा है। आधा घंटा सुनने के बाद किसान बोला, भाई मेरी समझ में आ गई प्रोफेसर साहब आपकी बात। क्या समझ में आई भाई? सर आप यही कह रहे हो कि जिन पौधों को जानवर नहीं खाते वो सब दवाई के पौधे हैं। देखिए मैं तो ज्ञान दे रहा था, उसने विद्वता दी, गागर में सागर भर दिया। कौन से पौधे जानवर नहीं खाता जो कड़वे होते हैं, कीड़ों को मारने के लिए क्या चाहिए, कड़वाहट, बनाओ ना अपनी दवाई अपने आप। आज मैंने देखा किताब में कई अनुभव हैं ऐसे, जिसमें किसानों ने आकड़े का पौधा, नीम का पौधा, ऐसे बहुत सारे पौधे जो कड़वे पौधे हैं जिनको हम जानवर नहीं खाते हैं उनसे दवाई बनाई। तो दूसरा तरीका बड़ा सरल हो गया कि भाई हम विकेंद्रीकरण करें विज्ञान का, लोग स्वयं अपने आप जहाँ तक हो सके दवाइयाँ बना लें। हम उनको बता दें भाई अगर सब्ज़ी की बात है तो भाई ये दवाई के बाद कम बाज़ार में ले जाने से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले तक स्प्रे करना, उसके बाद मत करना, ताकि कोई रेसिड्यू ना बचे। किसान सुखी है, उसका खर्चा कम हो गया, वो अपना इलाज अपने आप कर लेगा, तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ किसान इससे भी आगे निकले, उन्होंने कहा, एक धीरू भाई थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसा करते हैं सर, ये तो मैंने देखा है कि जो मकोड़े होते हैं लाल वाले, काले वाले बड़े मकोड़े, चींटी तो छोटी होती है, मकोड़ा बड़ा होता है, तो झाड़ी, पहले खेतों में झाड़ियाँ हुआ करती थी, खेत में बाढ़ होती थी, अब तो खेतों से बाढ़ चली गई, लेकिन बाढ़ के बड़े फ़ायदे थे, बाढ़ में कुछ चिड़िया भी बैठती थी जो कीड़ों को खाती थी, और मकोड़े भी वहीं पर अपना घोंसला बनाते थे। तो उसने माचिस की डिब्बी में मकोड़े भरे और कपास के खेत में एक एक खेत पर एक एक मकोड़ा डाल दिया, वो गया और उसने खा लिया अंडे जो थे कीड़ों के, काम हो गया। मतलब कि प्रकृति का अध्ययन करना, प्रकृति के नियम को अध्ययन करना, प्रकृति के नियमों को अध्ययन करने का कम समय सबसे ज़्यादा किसके पास है, किसान के पास है। सारा दिन तो वो किसान और उसकी पत्नी खेतों में लगाते हैं, तो वो देखते हैं खेतों में क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उसका अनुभव उनके पास आता है। तो दूसरी बात ये हुई कि हम कोशिश ये करें कि जहाँ तक हो सके जो किसान की नज़र है, किसान का पैनी नज़र है, उसको समझें, उसको देखें। आज बहुत सारे किसान यहाँ आए हुए हैं जिन्होंने नई नई किस्में बनाई हैं। अब आप सोचो लाखों करोड़ों पौधे खेत में लगे हुए हैं, उसमें से किसी एक पौधे को ढूंढना जिसका अलग स्वभाव है, जिसके ऊपर पत्ते झुलस नहीं रहे, ऐसी बैगन की जाति बना ली उन्होंने, हरमन जी ने ऐसा सेब की किस्म ढूंढ ली, सारे देश में सेब उग रहा है उन राज्यों में जहाँ जीवन में कभी किसी ने सुना ही नहीं था पहाड़ों के अलावा सेब उगता हुआ, क्यों हरमन जी? अब तो आपने 300 राज्यों में लगा दिया। आप सोच रहे हैं सेब की किस्म राष्ट्रपति भवन में, देखिए ताली बजाइए इनके लिए, कितना बड़ा काम है। आज हर राज्य के हर कोने में, देश के हर कोने में सेब उग रहा है, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भी सेब उगना शुरू हो गया, किसने सोचा था ऐसा? नज़र थी किसान के पास तो वो बात उनकी नज़र में आ गई। तीसरी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम क्या करें कि जिससे ये सारे अनुभव जो हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो जानवरों के इलाज के हों, फसलों के इलाज के हों, हॉर्टिकल्चर के हों, इनको हम एक व्यवस्थित रूप में
अपनी प्रयोग की जो व्यवस्था है यूनिवर्सिटी की उसमें शामिल कर सके। तो मैंने अभी वाइस चांसलर साहब से पूछा, उन्होंने बताया 2 साल में 2 बार रिसर्च काउंसिल की मीटिंग होती है। अब हर रिसर्च काउंसिल में, अब आज इतने सारे किसान आए हैं, आप लोगों ने आयोजन किया, अब जो कुछ हॉर्टिकल्चर के हैं, कुछ फिशरीज़ के हैं, कुछ लाइव स्टॉक के हैं, कुछ क्रॉप के हैं, कुछ वैल्यू एडिशन के हैं, कुछ मार्केटिंग के हैं, किसी न किसी फील्ड, किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी ने कुछ विशेष किया, तभी तो आपने उनको बुलाया। अब अगर उनकी उनके ज्ञान पर, और ज्ञान पर भी विशेष जो सिद्धांत है उस उनकी पद्धति का, उस सिद्धांत पर शोध का प्रबंध बने, एक आवेदन बने, एक प्रपोजल बने जो रिसर्च काउंसिल में जाए, जिसमें हम शोध करके उसको आगे बढ़ाएं। रघुवंशी जी ने कोई किस्म ढूंढी गेहूं की, अब उसमें वो कौन से जीन्स हैं, कौन सा लिंकेज को उन्होंने डीकपल किया, किस तरीके से उसके अंदर कम न्यूट्रिएंट देके अधिक उत्पादन देने की क्षमता पैदा की, इसका विज्ञान उनके पास नहीं है। क्यों भाई, वो विज्ञान तो नहीं है, लेकिन आपके पास अनुभव है, जिस अनुभव से आपने वो पौधा ढूंढकर उसकी जाति बना दी, ये विज्ञान। तो भाई उसके लिए तो फिर आपको बाकायदा जैसे बायोमेट्रिक के ट्रायल्स होते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के, वो करने पड़ेंगे और निकालना पड़ेगा उसके अंदर उसका कौन क्या जेनेटिक बेसिस है, किस तरीके से उसने इस वेराइटी का आधार क्या है, जेनेटिक आधार क्या है। PPVFRA भी चाहेगा कि उनको वो जानकारी मिले, ताकि वो उसको वो सम्मान दे पाएँ जो शायद खाली तकनीक के आधार पर, खाली पद्धति के आधार पर नहीं दे पाते। मतलब साइंस बेस्ड रिकॉग्निशन ऑफ फार्मर्स इनोवेशन, साइंस बेस्ड रिकॉग्निशन ऑफ फार्मर्स इनोवेशन, ये फार्मर साइंस कॉन्फ्रेंस है, ये फार्मर इनोवेशन कॉन्फ्रेंस नहीं है खाली। अजय जी, आपने एक बड़ा अच्छा, आपने फार्मर साइंस कांग्रेस बोला है इसको, फार्मर इनोवेशन कॉन्फ्रेंस नहीं बोला है, ये ध्यान देने की बात है। मैं कद्र करता हूँ आप सबकी, जिन्होंने सहने जी और सब ब्रह्म और सभी लोगों की, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है ये बातचीत का, बहुत मील का पत्थर साबित होगी ये कॉन्फ्रेंस। हमें किसान की इनोवेशन के नीचे जो साइंस है, अंतर्निहित है, वो निकालनी है। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको, सन 1988 की बात है, डॉक्टर सिन्हा प्लांट फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे, बायोकेमिस्ट्री के, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की कोचिन में, और बोले कि भाई अनिल तुम्हें आना है। मैंने कहा भाई मैं तो क्या बताऊँगा बायोकेमिस्ट्री पर, नहीं हम ये ड्राउट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और हम फिजियोलॉजी में देखते हैं कि प्लांट और उसका स्ट्रेस, सॉइल से जो प्लांट स्ट्रेस आता है वहाँ तक स्टडी करते हैं, वो स्ट्रेस फार्मर को कैसे इफेक्ट करता है इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं। फिजियोलॉजिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट हैं, उससे आगे की बात नहीं सोचते, वो तुम समझाओ अगर। मैंने कहा ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अपनी भी दिक्कत बताऊंगा। बोले ठीक है। तो मैं वहाँ गया, मैंने बताया कि उनकी बात करी, इस ड्राउट के बारे में बोला, फिर मैंने कहा एक मैंने एक चीज़ देखी, आप मुझे उसका उत्तर बताएं। मैं जब छोटा था मेरे कान में दर्द हुआ, सन 1950-52-53 की बात है, 54-55 की बात है, तो मकान मालकिन जो थी उन्होंने अपना स्तन का दूध मेरे कान में डाला, ब्रेस्ट मिल्क, ठीक हो गया दर्द। आंध्र प्रदेश में जब तंबाकू की खेती करते हैं तो एक बर्तन में दूध रखते हैं, कुछ सीडलिंग लगाने के बाद दूध में हाथ डाल लेते हैं, दूध धो लेते हैं। उनका ऐसा मानना है कि अगर कुछ सीडलिंग पे टोबैको मोज़ेक वायरस था तो वो और सीडलिंग में नहीं जाएगा, दूध उसका निष्क्रिय बना देगा उसको। गुजरात में जब फुट एंड माउथ डिजीज़ होती है, खरुआ महुआ बोलते हैं, तो उसके हूफ पर, उसके पैरों पर दूध डालते हैं, किस जानवर उसको चाटता है तो उसके मुंह में भी हो जाता है इन्फेक्शन, कंट्रोल हो जाता है। तो मैंने कहा भी मुझे बताओ क्या है दूध के अंदर जिससे ऐसी समस्या जिसका कोई वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक समाधान तो है ही नहीं वायरल डिजीज़ का, और ये यहाँ लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट था दत्तानंदा, वो उस समय PhD स्टूडेंट था, डॉक्टर सिन्हा ने उसको बुलाया था कीनोट लेक्चर के लिए। वो ऐसा करते थे जब कोई मेधावी विद्यार्थी हो तो उसको बुलाते थे कीनोट लेक्चर के लिए। बोला सर ऐसा हो सकता है कि जब RNA, ये दोनों वायरस type 2 RNA वायरस हैं, फुट एंड माउथ भी और TMB, तो बोले हो सकता है दूध में ना एक RNA एंजाइम होता है। अब प्रोटीन को काट, प्रोटीन जो है RNA का जो दीवार है उसकी जो बाउंड्री है उसको काटा किसी प्रोटीज से, उसके बाद RNA एंजाइम ने उस वायरस को इनएक्टिवेट कर दिया, ऐसे संभावना है। मुझे मालूम नहीं कि ये सही है गलत है, लेकिन एक हाइपोथेसिस है। अब आप सोचिए कि दूध का प्रयोग, अभी हमने बाद में काफ़ी लोगों ने पब्लिश किए पेपर, अरुण कुमार को मैंने बताया जोधपुर में, तो काजरी में, तो उन्होंने भी शोध किया इस पर, कई पेपर छापे। अगर दूध से
आपके टमाटर में अगर लीफ कर्ल हो गया है, आपने दूध डाल दिया तो जो नई पत्ती आएंगी उस पर लीफ कर्ल नहीं होगा, ये आप प्रमाणित कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट अपने फार्म पे आप कर सकते हैं। अब अगर सरल तरीका है, अब हमें देखना ये है कि इसमें प्रोटीन कैसीन है वो कर रही है काम, कौन सी मतलब इसकी विज्ञान क्या है, इसका पद्धति है, प्रभावशाली है, ये कहने से विज्ञान नहीं बढ़ेगा। और ये कहने से हम किसान की सही बात में सही तरीके से इज्जत भी नहीं कर पाएंगे, उसको वो सम्मान नहीं दे पाएंगे जिस सम्मान का वो हकदार है। तो मुझे लगता है कि 6 महीने में जो काउंसिल होती है उसमें जब प्रपोजल आए तो उसमें रिव्यू करके लिटरेचर को एक साइंटिफिक प्रपोजल बनाया जाए, उस बेसिस पर क्या क्या हाइपोथेसिस हैं इस प्रैक्टिस को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको बनाना सकर से ऐश लेकर गोट की डिजीज़ को सॉल्व किया है तो क्या क्या हाइपोथेसिस होंगे, इसमें पोटाश की वजह से है, कोई और मिनरल है उसके अंदर, क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आप उसका ट्रीटमेंट लो, फिर आप खाली पोटेशियम सप्लीमेंट करके देख लो, अगर ऐश का नहीं है कर्रोल तो फिर पता लग जाएगा हमको क्या कारण है। मतलब जो भी डिज़ाइन हो एक्सपेरिमेंट्स का, प्रॉपरली रिगरस डिज़ाइन हो, उसमें हम चूक ना करें। ये ना सोचें किसान की पद्धति है तो हम खाली एग्रोनॉमिक ट्रायल करके उसका निकाल देंगे, नहीं, उसमें अगर हमें बायोकेमिस्ट्री करनी है तो बायोकेमिस्ट्री करेंगे, फिजियोलॉजी करनी है तो फिजियोलॉजिकल बेसिस में करेंगे, जेनेटिक एनालिसिस करना है, जीन मैपिंग करनी है, उसके अंदर जो भी काम करना है फिर ढंग से किया जाए, उस काम को आगे बढ़ाया जाए। तो अगर आपने ये शुरू करवा दिया डॉक्टर साहब, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी पूरे देश के लिए। और मैंने कहा कि आमदनी बढ़ाने के लिए पहला काम है कम खर्च करना। अगर हम एक बार इस सिद्धांत समझ लेंगे तो फिर उस सिद्धांत को हम कई जगह आगे लगा सकते हैं। मैंने कहा है, जो वैज्ञानिक मित्र हैं उनकी बात ये समझ में आएगी, मैं पहले अंग्रेजी में बताता हूँ फिर हिंदी में, कि 4 तरीके से हम सीखते हैं किसी इनोवेशन से। एक तो आर्टिफैक्चुअल, आर्टिफैक्चुअल माने उसने कोई यंत्र बनाया, मैंने उस यंत्र का इस्तेमाल किसी और काम के लिए कर लिया, जैसी थी चीज़ उसी को किसी और जगह लगा दिया, मेरा एक सीखने का तरीका हो गया। दूसरा है मेटाफोरिकल, एक सिद्धांत, एक उदाहरण के तौर पर उसको इस्तेमाल करूँ मैं। तीसरा है यूरिस्टिक, उसके नीचे जो प्रिंसिपल थंब रूल जो है, जो सिद्धांत है उसको ले लिया जाए। और चौथा है जेस्टॉल्ट, यानी कि जो पूरा इकोसिस्टम है उसको मैं उसको समझूँ, खाली पद्धति को ना देखूँ, किसान के पास क्या क्या विकल्प थे, क्या क्या स्थिति थी उसके पास, क्या समस्या थी, वो समस्या कितनी महत्वपूर्ण थी, कितना नुकसान होता था उसको, कैसे उसने उसके लिए सोचा, क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं, किसी एक पे ध्यान दिया ना उसने, कैसे प्रायोरिटी दी उसको, क्यों दी प्रायोरिटी उसको, क्या कारण था। तो इस तरीके से हम अलग अलग लेवल पर इनोवेशन से सीख सकते हैं, उसका सिद्धांत निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर एक कोर्स डिज़ाइन किया जाए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, जिसमें स्टूडेंट्स का काम होगा कि अलग अलग प्रॉब्लम पर वो रिव्यू करें लिटरेचर को, कोई सी एक प्रॉब्लम ले लें जो इस क्षेत्र की प्रॉब्लम है, और रिव्यू करें दोनों चीज़ें, एक तो पेटेंट्स रिव्यू करें, कितने पेटेंट्स हुए इस प्रॉब्लम पर और कितनी प्रैक्टिसेस हुई, औपचारिक विज्ञान की भी अनौपचारिक विज्ञान की भी, और फिर अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, इन 3 पैरामीटर्स पर उसका रैंकिंग करें। अफोर्डेबिलिटी माने कितनी, क्या गरीब किसान उसका खर्चा उठा सकता है, सॉल्यूशन तो आपने बना दिया बहुत महंगा है, लेकिन क्या गरीब किसान के पास वो साधन तक पहुंच है जिस साधनों से वो दवाई सॉल्यूशन आपने बनाया, एक्सेसिबिलिटी। और तीसरा अवेलेबिलिटी, क्या वो सुलभ है समाधान, आपने बना तो दिया, कहाँ मिलता है बताओ ना, जाकर ले आए, या सिर्फ पब्लिकेशन में ही है बस। तो अगर सुलभ नहीं है तो भाई हमको सुलभ बनाना है इसको। इन 3 पैरामीटर पर वो लिटरेचर को रिव्यू करें, जो विद्यार्थी हैं प्रेजेंटेशन करें, और फिर जब फार्मर्स की मीटिंग हो उसमें प्रेजेंट अपना पूरे रिव्यू पेपर्स की पूरी एग्जीबिशन लगे, तो हम जैसे आज किसानों के इनोवेशन पर देखकर आए, किसान स्टूडेंट्स के रिव्यू रिपोर्ट को देखकर जाए। सुन रहे भाई, अगली बार अगले साल जैसी एग्जीबिशन आपने हमने लगाई, किसानों ने अपनी बात बताई, अगले साल स्टूडेंट्स की भी एक एग्जीबिशन लगी होगी वहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने किसानों की समस्याओं पर रिव्यू करके किसानों की जानकारी का विज्ञान निकाल कर अपना अंदाज़ा लगाया होगा। वहाँ पर किसान कहेगा, यहाँ ये वाली बात तुम्हारी सही लग रही है, मेरे को ये वाली बात सही नहीं लग रही भाई, यहाँ तुमने ये पहले छोड़ दिया, ऐसा सोचा होता तो शायद ये समस्या ऐसे हल हो जाती। एक उदाहरण है छोटा सा, मैं बहुत साल पहले जब काम कर रहा था, 84-85 की बात है, यहाँ पर महेंद्रगढ़ में ज़िले में कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो वहाँ चने के चारों तरफ धनिया लगाते हैं, यहाँ भी चना होता है, अब धनिया लगाते हैं कि नहीं लगाते मुझे नहीं मालूम, वहाँ धनिया लगाते थे। तो हमने किसान से पूछा, भाई क्यों लगाया, बोला सर इससे ना कीड़े जो हैं वो भाग जाते हैं, कीड़े भाग जाते हैं,
मैंने एकरी सेट के एक वैज्ञानिक थे पेम्बर्ट, उनको बताया, मैंने कहा यार ये प्रैक्टिस आई तुम्हारी क्रॉप है, मैंडेट क्रॉप, इस पर कुछ करो रिसर्च, बताओ मेरे को क्या मतलब है। उसने 3 साल एक्सपेरिमेंट किया, बताया सर ऐसा है नेक्टर रिच क्रॉप है, कॉरिंडर ये प्रीडेटर यानी कि जो पराजीवी हैं उनको आकर्षित करता है और वो कीड़ों को खा जाते हैं। यानी कि परिणाम तो वही था कि कीड़े को कंट्रोल हो रहा था लेकिन कारण गलत था। फार्मर वॉज डूइंग राइट थिंग फॉर रॉन्ग रीजन, यानी कि वो कह रहा था कीड़ों को भगाता है, भगाता नहीं था, वो पराजीवी को आकर्षित करता था, कीड़ों को खाने वाले जो कीड़े होते हैं उनको आकर्षित करता था। कई बार किसान को हो सकता है किसान की समझ में सही सिद्धांत नहीं आया, विद्यार्थी का काम है जब वो रिव्यू करेगा इस प्रैक्टिस को तो वो देखेगा क्या क्या कारण हो सकते हैं और किसान को समझाएगा कि ये पद्धति इस कारण से काम करती है, भाई साइंटिस्ट ने ये पाया है इसके अंदर। तो किसान सोचेगा अच्छा जी चलो, उसको भी नई बात सीखने का मौका मिलेगा, अगली बार खेत में जाएंगे कुछ और देखेंगे वो। तो एक कोर्स को इंट्रोड्यूस करा जाए, इसके अंदर हम लाएँ। एक चीज़ और भी है कि जब कई बार ऐसी रिसर्च होती है जो लाइन से हटके होती है, तो मैंने उसको डिवीएंट रिसर्च का नाम दिया 88 में, उसको हम उतना महत्व नहीं देते कि भाई उस रिसर्च से क्या होगा, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। हम लोग गांधी यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड देते हैं हर साल SRISTI की तरफ से, 15 लाख के 15 अवार्ड देते हैं, 15 लाख के 15 अवार्ड। इस बार पहली बार एग्रीकल्चर साइंस के NDRI के स्टूडेंट को मिला है, वरना एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट सबमिट भी नहीं करते थे अपनी एंट्रीज इसके अंदर, तो हम दें कैसे उनको अवार्ड। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी उसके बारे में जानकारी लें और उसमें अप्लाई किया है, gyti.techpedia.in। तो दो इस बार दो ऐसे बच्चे थे जो सेकेंड ईयर के बच्चे थे, BSc सेकेंड ईयर के दो बच्चे थे, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर के, और एक लड़की थी बिट्स पिलानी सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग की कॉलेज की। उनको अवार्ड दिया, एप्रिसिएशन दिया हमने, अवार्ड तो नहीं दिया एप्रिसिएशन दिया। क्या किया उन्होंने, उन बच्चों ने क्या किया, फलों के छिलके लिए उदयपुर के बच्चों ने, और फलों के छिलकों को सड़ाकर उसका होमोजेनाइजेशन किया, ग्रोथ प्रमोटर बनाया, जेल बनाई उसकी, सीड ट्रीटमेंट किया उससे, ग्रोथ के एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट भेजा हमको। हॉस्टल में रहते रहते आसपास ही कर लिया उन्होंने कहीं, गजब की ग्रोथ। अब वेस्ट जाता है छिलका, तो चाहे वो केले का छिलका है, सेब का छिलका है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इससे ग्रोथ प्रमोटर्स बनेंगे, बना दिया बच्चों ने, मन में आ गया बना लिया, उनको हमने रिकग्नाइज किया। बिट्स पिलाने की बच्ची थी तन्या, उसने क्या किया, बोली हमें आम तोड़ना है पेड़ पे से, तोड़ने के यंत्र तो बन गए, अब दिख नहीं रहा इतनी दूर से कि वो आम पका है कि नहीं पका, उसने छोटा सा कैमरा लगा दिया, टेलीस्कोप बन गया उसका, है ना भाई, अब पता लग गया कि फल पका है कि नहीं पका है। उसको अवार्ड दिया हमने समर स्कूल में, समर में बुलाया उसको, हमने कहा हमारी फैब लैब में, NIF की फैब लैब में आ जा, यहाँ बैठ के बना ले। मतलब कि विद्यार्थी, अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थी शोध नहीं करते, ये किसने कहा, हमने तो अवार्ड दिया। तो मेरा सुझाव ये भी है कि पहले साल फर्स्ट ईयर में जब BSc में बच्चा एडमिशन ले, उसको एक अच्छा खासा उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो फार्मर्स की प्रैक्टिसेस इनोवेशन साइंस के ऊपर, और उसको कहा जाए भाई तू काम कर अपने दिमाग से, कर ले कुछ इनोवेशन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझ तो ले कि फार्मर की जो तकलीफ है उसके लिए अगर कोई समाधान निकालना है तो ये मत सोचो कि रिसर्च केवल MSc और PhD के विद्यार्थी करते हैं, BSc के विद्यार्थी भी डॉर्मेट्री में बैठकर अपने हॉस्टल में रिसर्च कर सकते हैं। अपने आसपास तुम्हें खेत चाहिए, थोड़ा सा खेत ले लो, हमारे कोई मना नहीं करेगा, तुमको कैरी दे देंगे, करो अपनी रिसर्च। तो जो समाज है, बच्चे हैं, उनके अंदर रिसर्च करने की भावना आ जाए फर्स्ट ईयर से ही, सेकेंड ईयर से ही, मुझे लगता है काफ़ी बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा और किसानों के लिए भी बड़ा सुखकारी होगा ये काम। एक आपके पास बहुत सारे KVKs हैं, आपने बताया 20 KVKs हैं। मैं CSIR के साथ भी काम करता हूँ, DBT के साथ भी काम करता हूँ, जितनी भी साइंस बॉडी आई, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ भी NIF का एग्रीमेंट करवाया, ICR के साथ कराया, CSIR के साथ कराया, इन सब के पास कुछ ना कुछ टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो फार्मर्स की नॉलेज से ब्लेंड हो सकती हैं, लेकिन उनके पास KVK का माध्यम नहीं है। मैं फैसिलिटेट करूँगा इस प्रोसेस को, आप DBT को भी लिख दें सेक्रेटरी को, रेणु स्वरूप मेरी अच्छी मित्र है, CSIR के DG को भी लिख दें कि भाई आपके पास कोई भी तकनीक ऐसी है जो हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए उपयोगी हो सकती है, हमारे किसान उसका कुछ यूज़ करके अपने हिसाब से कुछ उसका उस मटेरियल को यूज़ करके नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, आप दीजिए हमारे KVK पे, आपको जगह चाहिए जगह ले लीजिए, आप प्रयोग कीजिए, किसान को आपके पास तो जा नहीं सकता, वो
आपके पास कोई जगह नहीं है डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पास 20 केवी के हैं, लेट देम बिकम ए सिंगल पॉइंट विंडो फॉर ऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस वेयर फार्मर्स कैन यूज देम एज बिल्डिंग ब्लॉक। एक इतना अभूतपूर्व काम हो जाएगा ये, जो देश में अभी तक कभी हुआ नहीं। सब लोग अलग अलग अपनी अपनी बीन बजा रहे हैं। किसान कहता है भाई मेरे को बताओ क्या कर रहे हो आप, सब लोग बताओ, हो सकता है कि मैं अपना दिमाग लगाकर उसमें कुछ और आगे कर लूँ काम। मेटेरियल साइंस की बात आती है, नहीं नैनो केमिकल्स की बात कर रहे हैं, काजल भी नैनो केमिकल ही है। लोग सोचते थे काजल क्यों लगाते हैं आँख में, भाई इनर्ट मटेरियल है ना, आँख के अंदर कैसे जाएगा, जो नैनो पार्टिकल्स उसके अंदर वो जाते होंगे, अंदर कुछ करते होंगे, वैज्ञानिक बताएंगे हमको उसको अंदर। हो सकता है 20-30 नैनोमीटर का जो पार्टिकल है वो तो नैनो पार्टिकल है, कुछ करता होगा काम अपना, जाकर देख लेंगे भाई, पता कर लो उसका। तो मतलब है कि नैनो पार्टिकल्स को बहुत नई चीज़ नहीं है हमारे यहाँ तरह का। अभी आपने देख, आपने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मिस्र में कुछ बर्तन मिले उसमें जो पेंट होता था सिरेमिक के ऊपर, वो नैनो पार्टिकल्स उसमें पाए गए उस पेंट के अंदर 3,000 साल पहले। पार्टिकल को मेजर करना क्या यंत्र अभी बना है, लेकिन पार्टिकल थोड़े अभी बना पहली बार, पार्टिकल तो पहले भी थे, ठीक है ना। यंत्र अब बना, अब हमको लंबाई नापने का यंत्र मिल गया, तो हम कह सकते हैं भाई 60 नैनोमीटर से नीचे का है तो नैनो पार्टिकल होगा। तो मेरा तात्पर्य, मेरा अनुरोध आपसे है कि जो मटेरियल्स हम लोग बना रहे हैं वो किसानों को बताएंगे तो किसान अपना दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे मैं कुछ और प्रयोग करता हूँ। हमारे मिस्त्री जो हैं उनके पास कोई नया मटेरियल पहुँचा ही नहीं, कंपोजिट तो कोई पहुँचा ही नहीं। अब कंपोजिट्स आज मैंने देखा मशीनें, जितनी भी मशीनों के उदाहरण थे, किसी में भी कंपोजिट का प्रयोग नहीं हुआ है। जूट का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जूट से जो कंपोजिट बना उसका हमने नहीं देखा आज को उदाहरण, ठीक है ना भाई। एम्प्री है, CSIR की लैब है, IIT खड़गपुर है, बहुत सारी लैब्स हैं, जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में ना, BGRI, उन लोगों ने बनाए हैं जूट के कंपोजिट्स। अगर वो मटेरियल ला के किसानों को दिखा दें, देखो भाई ये नया मटेरियल है, कीमत भी कम है, टिकाऊ है, हल्का है, इसके अंदर ये गुण हैं, अब किसान सोचेगा क्या करना है मुझे इसका, कर लेगा कुछ ना कुछ। हमने नए मटेरियल्स के बारे में नहीं बताया किसानों को कभी, तो उनकी जो कल्पनाशीलता है, उनकी जो प्रयोग धर्मिता है, वो सीमित है उन साधनों तक जितनों के बारे में वो जानते हैं। उनको नए साधन बता देंगे तो वो नए काम कर लेंगे। एक बच्चे मिले मुझे, मैं बिट्स पिलानी में गया था ऐसे किसी टेक्नोलॉजी फेस्ट में, बोले सर ये अंडे का छिलका आप फेंक देते हैं। मैंने कहा हाँ भाई मैंने देखा है बहुत लोग फेंक देते हैं। बोले सर इस छिलके को हमने क्या किया, डिसॉल्व कर दिया एक सॉल्वेंट में। तो आपको किसको लोगों को पता है कि अंडे के छिलके के नीचे एक झिर्री होती है, एक मेम्ब्रेन होती है ना पतली सी, वो आ गई ऊपर, उसका उन्होंने वाटर फिल्टर बना दिया। तो आप सोचो जरा कितनी अच्छी, कितना सिंपल सा सॉल्यूशन है। कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर थी उसको डिसॉल्व कर दिया, मेम्ब्रेन उसके ऊपर आ गई, मेम्ब्रेन से वाटर फिल्टर बन गया। आप किसान को बताओ तो सही कैसे अलग करना है झिल्ली को, वो कर लेंगे। लद्दाख में हम लोग शोध यात्रा में गए थे अपने विद्यार्थियों के साथ, वहाँ जब, वहाँ तो मीट खाते हैं वो लोग, तो बकरे का जब मीट लेते हैं तो उसके खाल के नीचे भी एक झिल्ली होती है पतली सी, कोलाजन लेयर होती है एक, उस कोलाजन लेयर को निकाल के उन्होंने एक छोटी से डब्बी में रख रखा था। क्या करोगे भाई, क्या करते हो उसका, सर किसी को चोट लग जाए, कोई जख्म हो जाए, हम इसको लगा देते हैं फौरन ठीक हो जाता है। अब बताओ तो सही उसको ये बात यार। तो वो कहता है आप कोलेजन लेयर बोलते हो उसको, उसका कुछ और नाम दे रखा है, उसका विज्ञान क्या है, क्यों वो हीलिंग करता है, उसमें कौन से सेल्स हैं जो रीजनरेट करते हैं ग्रोथ को, क्या रेट पे रीजनरेट करते हैं, आपके पास जो ग्रोथ एजेंट है उनके मुकाबले में ये कितना अच्छा है, ये तो साइंटिफिक माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर लें उसके ऊपर, क्या दिक्कत। तो मुझे लगता है कि एक तो हम सारे इंस्टीट्यूशन को साथ में लाएँ, CSIR की, DBT की, ICMR की, और कोशिश करें कि वो मिलकर केवीके के माध्यम से किसानों को वो विकल्प दें जहाँ पर अच्छी शोध हो सकती है। मैंने एक रिसर्च की थी IIM के अंदर, हमने ऐसे दो गांव लिए जहाँ क्रॉनिक डिजीज़ ज़्यादा थी, यानी कि जहाँ पर दिल की बीमारियाँ थी, शुगर की बीमारी थी, और दो गांव ऐसे लिए जहाँ कोई बीमारी नहीं, और वहाँ की मिट्टी की जाँच कराई, वहाँ जानवर जिनका दूध पीते थे उन जानवरों की जाँच कराई, जो खाना खाते थे फसल पे ज़मीन पे उगाया हुआ उस अनाज की जांच कराई, और लोगों के ब्लड सैंपल लिए। क्या मिला कि जहाँ पर क्रॉनिक डिजीज़ कम थी वहाँ की मिट्टी में जो तत्व थे खास तौर से कॉपर, वो सीधा उनके खुराक में पहुँच रहा था। मतलब हेल्दी सॉइल हेल्दी बॉडी। अब ये शोध खाली एक अच्छा साइंटिस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मेडिकल साइंटिस्ट भी चाहिए,
इसके लिए वेटनरी साइंटिस्ट भी चाहिए, इसके लिए सॉइल साइंटिस्ट भी चाहिए, वो सब मिलकर करेंगे। मैंने सबका सहयोग लिया, आनंद के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग मिले, 15 डॉक्टर्स ने मेरे साथ मुफ्त में काम किया, सब ने मिलकर 30 लोगों ने ये पूरा रिसर्च किया मेरे साथ। एक पैसा नहीं था मेरे पास, कहीं मैंने प्रोजेक्ट नहीं दिया था। मैंने अगर लोगों से कहा भाई समस्या है, मेरा मन कहता है कि इस समस्या पर हम काम करें, कुछ अच्छा निकलेगा। मकसद क्या होगा फिर? ये होगा कि हम भागलपुर क्या बिहार की सारी सॉइल मिनरल प्रॉपर्टीज़ का मैप बना लेंगे, कहाँ पर आयरन ज़्यादा है, कहाँ पर कॉपर ज़्यादा है, कहाँ पर जिंक ज़्यादा है, वहाँ जो फसल उगती है उनमें जो तत्व अगर ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो वो हम उनको देंगे जिनके अंदर कमी है। हमारा फंक्शनल फूड बनेगा, हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ ज़मीन के अनाज को गरीब जो बीमार लोग हैं उनको खिलाने का एक अजीब अच्छा कम खर्च वाला तरीका मिल जाएगा। बाय अवेलेबल फॉर्म में ये न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, ऐसा एक तरीका बन सकता है। हमें तो किसान को स्वस्थ रखना है ना, और स्वस्थ जब ही रख पाएंगे जब भूमि स्वस्थ होगी। लेकिन हम समझाएं कैसे किसान को कि भूमि स्वस्थ रखनी ज़रूरी है? उसको दिखाना पड़ेगा कि देखो जहाँ की भूमि स्वस्थ है वहाँ पर बीमारियाँ कम हो रही हैं, क्योंकि वहाँ के अनाज में वो सब तत्व हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। एक चीज़ मैं और कहूँगा, हमने एक डेटाबेस बनाया है techpedia.in। वहाँ इस डेटाबेस में इंजीनियरिंग साइंस के 2,00,000 प्रोजेक्ट हैं, 5.5 लाख विद्यार्थियों द्वारा किए गए इस देश में। एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का डेटाबेस अभी तक नहीं बना है, इंजीनियरिंग का बना दिया हमने, सृष्टि ने बनाया है, techpedia.srsti.org। यहाँ जाइए आप, 2,00,000 लेसर के एप्लीकेशंस, मशीन लैंग्वेज के, कोई प्रॉब्लम आप इंजीनियरिंग के उठा के डालिए वहाँ पर, तुरंत पता लग जाएगा किस इंस्टीट्यूट में, किसकी गाइडेंस में, किस विद्यार्थी ने क्या काम किया। दो फायदे हैं इसके, एक तो कोई विद्यार्थी वो काम नहीं करेगा जो हो चुका, नकल नहीं करेगा, ओरिजिनलिटी आ जाएगी। दूसरी बात, विद्यार्थी उन आइडियाज़ को आगे बढ़ाएंगे जो किसी ने करे थे, छोड़ दिया था, उसको लगता है इसमें पोटेंशियल है, वो आगे ले जाएगा इसको। क्या कृषि के अंदर ऐसा डेटाबेस बन जाए, और अगर हिंदी में बन जाएगा तो किसान भी ढूंढना शुरू कर देंगे उसके अंदर, बोलेंगे इस स्टूडेंट की थीसिस दिखाओ भाई मेरे को, क्या करोगे भाई, इसने ये प्रॉब्लम सॉल्व किए, मेरे खेत में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं ज़रा पढ़ना चाहता हूँ क्या किया इसने, पढ़ ले भाई हम समझा देते तुमको पढ़ के। ऐसी डिमांड तो नहीं आई ना अभी हमारे पास, क्यों नहीं आ रही ऐसी डिमांड? क्योंकि हमने ये जानकारी बांटी नहीं किसानों के साथ, किसानों को बताया नहीं कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो रही है उसके एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेस में हिंदी में अगर मिल जाए उसको, खाली एब्स्ट्रैक्ट दे रही है हिंदी में, बाकी तो फिर आप बता देंगे जब वो आएगा तो आपके पास, या आएंगे किसान बहन। मतलब हमने काफ़ी कुछ बांटा, लेकिन हमारी शोध, हमारे विद्यार्थियों के काम, इनका कोई डेटाबेस नहीं बना अभी। तो कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में, अगर हम बना लेते हैं तो आप देखिए आपके पास इतने सारे युवा लोग हैं, हमारे आपके जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी तो रूरल फैमिली के भी आते होंगे, कुछ ऐसा तो नहीं कि नहीं आते होंगे, वो लोग आगे अपनी अपनी बातों को बताएंगे। बहनें बैठी हैं यहाँ पर, बहनों ने आज अपना काफ़ी सारा ज्ञान भी बांटा, उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं बड़े अच्छे अच्छे, वो भी देखे। एक चीज़ है जिसके बारे में बहनों के पास असीम ज्ञान होता है, और वो है वीड्स। खेतों में जो निंदामण होते हैं, खरपतवार होते हैं, इसकी जानकारी, क्योंकि बहनें मजदूरी करती हैं खेत में जाकर, और खरपतवार निकालने का काम प्रायः वो करती हैं, तो उनके पास बड़ा अनुभव है। मेरे एक स्टूडेंट है अनामिका, उसने काम किया फैजाबाद में कुछ गांव में, 30 साल से उनको स्टडी कर रहा हूँ, प्लॉट बाय प्लॉट बायोडायवर्सिटी की स्टडी करता हूँ, एग्रो बायोडायवर्सिटी। तो उसने देखा कि जो खरपतवार भी हैं उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो जानवर खा लेते हैं, कुछ ऐसे जो हम खाते हैं अपने घर में सब्जियाँ बनाकर, कुछ ऐसे जिसको कोई नहीं खाता, जिसको खाद के कूड़े में डाल देते हैं। अब ऐसा वर्गीकरण अगर हम कर लें डिवीड्स का, अलग अलग एरियाज़ में जहाँ हमारे केविकेज हैं, और एडिबल वीड्स का हम एनालिसिस करें, एडिबल वीड्स का यानी कि वो खरपतवार जो खाने के लायक हैं, दो चीज़ें काम हो जाएंगी इससे, हमारा काम हो जाएगा। एक तो महिलाओं का ज्ञान है, वो बताएंगी कौन से काम के लिए कौन सा वीड खाया जाता है। महिलाओं को दूध नहीं उतर रहा, नई माँ है भाई, ये वाला वीड खिला दो तो उसका दूध उतर जाएगा, बच्चे को दूध मिल जाएगा। कई बार होता है ना ऐसी प्रॉब्लम आती है कई बार, तो उनके पास बहुत अद्भुत ज्ञान है। अब हमारा काम है साइंस निकालना, उसमें गैलेक्टोगोक के कौन से गुण हैं, हम गैलेक्टोगोक बोल देते हैं उसी को, साइंस अंग्रेजी में नाम तो वही है, वो चीज़ जिससे दूध बढ़े वो गैलेक्टोगोक है, उन्होंने उसको कुछ और नाम दे रखा, हमने कुछ और नाम दे दिया, विज्ञान तो वही है। अब निकालें उसके अंदर कौन से तत्व हैं जिसकी वजह से माँ का दूध बढ़ रहा है। बहुत सी माएँ हैं जिनको तकलीफ़ होती है, नहीं दे पाती, नहीं हो तो उनका दूध उतरता, उनको खाने की ज़रूरत है उसकी। तो एक पूरी नॉलेज सिस्टम हम बनाएं उन विज्ञान के आधार पर, जो महिलाओं जिसमें ज़्यादा संपन्न है, जिनके पास जिसका ज्ञान उनके पास ज़्यादा है,
उनके पास गीत भी हैं, बहुत से गरीब बहनें हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, बात करती हैं, गीतों में लिखा हुआ है, कहती हैं वो मेरा भाई आया है क्या खिलाऊं उसके लिए, जा वहाँ से खेत से वो वाला खेत वो ले आ, उसकी सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनती है, वो गीतों में कह देती हैं, इशारा कर देती हैं। तो हम महिलाओं का जो ज्ञान है उसका एक विशेष खंड बनाएँ, है मेरा एक विशेष खंड बनाओ और कोशिश करो कि अपने विद्यार्थियों द्वारा, आपके यहाँ तो रावे में भी जाते हैं विद्यार्थी, गाँव में रहते हैं, एक वीड मैप बना लिया जाए पूरा। हमारा एक दोस्त है मैगिल में था यूनिवर्सिटी में, वीड एज इंडिकेटर ऑफ सॉइल मिनरल प्रॉपर्टी, एक पेपर लिखा था उसने, आप नेट पे जाएंगे तो मिल जाएगा, स्टुअर्ट हिल उसका नाम है, मैकडोनल्ड कॉलेज में था, बहुत साल पुराना पेपर है, 82-83 का होगा। यानी कि नक्शा बनाया उसने खरपतवार का और फिर कोरिलेशन निकाला मिट्टी के गुणों में और खरपतवार में, और फिर खरपतवार को एज ए सूचक इस्तेमाल किया कि ये खरपतवार ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ की ज़मीन में ये कमी है, ये ज़्यादा है, सॉइल मैप बन गया कितने कम खर्च के अंदर। हम लोग क्यों नहीं कर सकते ये शोध, हमारे यहाँ भी ज़रूरत है इसकी, तो किसानों को बड़ी सरलता मिल जाएगी, हमको पता लग जाएगा हमारे यहाँ जो डेफिशिएंसी है उसको कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में हम लोग कुछ काम करें। मैं वैल्यू चेन की तरफ बढ़ता हूँ कि वैल्यू चेन कैसे बनाएं हम लोग जो प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर के। आज बड़ा अच्छा लगा, मैंने देखा शहद वाले जो स्टॉल था वहाँ पर जामुन का अलग था, लीची वाले में तो उसने लिखा नहीं था लेकिन लीची का अलग था। हमारे खादी की दुकान पर जाइए आप, KVIC की शॉप पर, वहाँ आपको शहद मिलता है लेकिन शहद किसी एक विशेष फूल का नहीं होता है, वो सब मिला के बनाते हैं, मतलब कस्टमर को कहीं पता नहीं लग जाए, उसका कहीं शौक पैदा नहीं हो जाए किसी खास टेस्ट के लिए, तो हम कस्टमर को टेस्ट नहीं पैदा करने देते। वैल्यू का सबसे पहला सिद्धांत है अलग अलग करना, सॉर्टिंग करना, फर्स्ट स्टेप, कुछ मत करो, सिर्फ जो चीज़ जैसी है उसको अलग करके मिलाओ मत आपस में, वही वैल्यूएशन हो जाता है, उससे ही काफ़ी किसानों को फ़ायदा हो सकता है। आप क्या करते हो, बड़ा आलू को अलग करते हो, छोटे आलू को अलग करते हो, वो भी ग्रेडिंग है ना, ग्रेडिंग इज़ अ वैल्यूएशन। उसी तरह से शहद बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसको अलग अलग रखेंगे तो उससे ज़्यादा वैल्यूएशन होता है, पूरी वैल्यू चेन बननी चाहिए। कितना अच्छा लगा आज देखा हमने ड्रैगन फ्रूट यहाँ पर खेती हो रही है, आपने बताया एक लीची की किस्म है यहाँ पर जो 1,000 रुपया किलो बिकती है, शाही जो किस्म है 1,000 किलो बिकने वाली लीची मैंने नहीं सुना था कभी। लेकिन अगर हमारा किसान उगा सकता है ऐसी किस्म को तो वो और भी काम कर सकता है, अगर उसको मौका मिले अलग अलग करके वो ढूंढना शुरू करे अपने खेत के अंदर अलग अलग गुण वाले पौधे, अलग अलग गुण वाले आम, अलग अलग गुण वाले अमरूद, तो जो निश मार्केट का कंसेप्ट है वो डेवलप होगा। और बढ़िया एक बड़ी टेक्नोलॉजी आई है बड़ी अच्छी ब्लॉक चेन की, डॉक्टर साहब इस पर काम करवाइए। ब्लॉक चेन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ट्रेसेबिलिटी आती है, यानी कि किस किसान ने कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे उगाई, कैसे उसने उसका उत्पादन किया। कस्टमर पटना में बैठकर पता लगा लेगा कि मुंगेर के कौन से ज़िले में, मुंगेर के कौन से गांव में किस बहन ने ये चीज़ कैसे उगाई। अगर उसको वही चीज़ चाहिए तो वो सीधा ऑर्डर उसका वहाँ पर जाएगा, जो सप्लाई चेन मैनेजर है वहाँ से लेगा, उसको तो कस्टमर को सप्लाई करेगा, तो वैल्यू बहुत मिल जाती है। कस्टमर पे करने को तैयार है, वो कहता है मुझे वहीं क्या चाहिए ना लीची भाई, मुझे वहाँ की लीची पसंद है, वहाँ की जो खुशबू होती है मुझे वही पसंद है, तो भाई दो फिर मैं उसका दाम दो मैं तुम्हें वहाँ की लीची ला के दूँगा। तो कस्टमर को फ़ायदा ये है कि उसको अपनी पसंद की चीज़ मिल रही है, किसान को ये फ़ायदा है कि उसकी जो खास बात है, उसकी जो खुशबू है, उसकी मिट्टी की जो महक है, उसका दाम मिल रहा है उसको, खाली टनों का क्विंटल का दाम नहीं मिल रहा उसको, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो खुशबू है, उसका जो रंग रूप है, उसके भी दाम उसको मिल पा रहे हैं। तो ब्लॉकचेन के अंदर मैं चाहूँगा कि ICT की जो टीम है वो ब्लॉकचेन की तरफ चले, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम बनाइए, एक्सपेरिमेंट्स करो, स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट करें इसके अंदर, और हम फार्मर की वो वैल्यू पैदा कर देंगे इसके कर सकते हैं कि जो आज तक कभी नहीं मिली किसको। मैं दूध लेता हूँ, मैं बता रहा था हिमा बहन को, मैं दूध पीता हूँ जो गाय का, तो वो उस गाय का दूध पीता हूँ जिसका बछड़े को दूध पिलाने के बाद जो दूध बचता है ना, मैं वो दूध खरीदता हूँ। मैंने कहा मुझे किसी बच्चे का हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक बात है, बच्चा मेरा हो या गाय का हो क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं उसके लिए पैसा दे सकता हूँ, मेरे पास है उतने पैसे कि मैं उसके लिए 3 गुना पैसा दूँ दूध का, संतोष तो मुझे मिल रहा है। ब्लॉक चेन बताएगी कौन प्रोड्यूसर है जिसके पास ऐसा दूध है, वो उस कस्टमर को पहचानेगी, वो कौन कस्टमर है जो ऐसे दूध के लिए पैसा देने को तैयार है, आप समझ रहे हैं। तो जो एथिकल मार्केट है, कंजर्वेशन मार्केट है, जो डिस्टिंग्विश्ड डिसएग्रीगेटेड, अभी तक हमने क्या पढ़ाया स्टूडेंट्स को, एग्रीगेट करो भाई, बड़े बड़े चीज़ों को एग्रीगेट करोगे तब दाम मिलेगा। एग्रीगेट में कमोडिटी का प्राइस मिलता है, क्वालिटी का नहीं मिलता। अगर क्वालिटी का प्राइस चाहिए मुझे तो डिसएग्रीगेशन करना पड़ेगा,
और वो ये टेक्निक पॉसिबल करती है। तो हमारे किसानों को मतलब पैसा कमाने का शौक पड़ जाएगा, फिर वो उसके हिसाब से करेंगे जैसे काम कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। मैं एक बात और भी कहूँगा कि बहुत सारे किसान आज जो आए उनके लिए एक मेटा कंपनीज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी हमको। वो लोग अपना प्रोड्यूसर कंपनियाँ बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, फार्मर्स की प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं, ये अच्छी बात है। उन कंपनीज़ को सर्व करने के लिए मेटा कंपनी चाहिए जो उनका मार्केटिंग का काम करे, उनके ब्रांडिंग का काम करे, उनके लिए ऑर्डर्स लाए, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स भरे, बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए इंतजाम करे। वो मेटा कंपनी बिजनेस कंपनी, बिजनेस डेवलपमेंट कंपनीज होंगी जो अपना मार्जिन लेंगी, कमीशन लेंगी इसके अंदर ऑर्डर्स का 5%, 7%, 10% जो भी उनको लेना है लेंगी। उनको भी जिंदा रहना है, उनको भी अपनी टीम बनानी है, कमाएं उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब काम फार्मर की कंपनियां नहीं कर पाएंगी, और वो काम नहीं कर पाएंगी तो फिर हम कहेंगे भाई फार्मर कंपनी फेल हो गई। फेल नहीं हुई वो, उसको हमने मदद नहीं की उसकी। तो जो आपके मैनेजमेंट के, आपके यहाँ तो कोर्स है मैनेजमेंट का, नहीं है अभी? यस है थोड़ा, लेकिन उसको बढ़ाया जाए, मतलब आपके जो आप हेमा बहन बैठी हैं उनके स्टूडेंट्स को लिया जाए इस काम के लिए, और कोशिश करें कि हम जो मेटा कंपनीज़ हैं यहाँ पर, जो और जगह के मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके मदद ले लें, रांची में है, जगह जगह पर हैं, उनकी मदद ले लें, और उन स्टूडेंट्स को एनकरेज करें कि आप किसानों के माल को बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए, क्वालिटी या करेक्टराइजेशन करने के लिए, लैब में टेस्ट कराकर उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए, इन सब के लिए सुविधाएं दें। और मेरा अनुरोध है कि यूनिवर्सिटी एक पॉलिसी बनाए जिसमें किसानों के प्रोडक्ट की टेस्टिंग की फ़ीस आप जो प्राइवेट कंपनी है उनके बराबर नहीं लेंगे। कोई कंपनी अपना सैंपल लाती है उसका अलग रेट होना चाहिए, किसान कोई अपना सैंपल लाए उसका अलग रेट होना चाहिए, और जो किसान गरीब है जो नहीं दे पाए उसके लिए कुछ फ़ंड बने, सरकार से पैसा लीजिए कि हम किसानों के प्रोडक्ट का टेस्टिंग फीस, करेक्टराइजेशन फीस देंगे, उसको बताएंगे इसके प्रोडक्ट में कौन से अमीनो एसिड्स हैं, कौन से मिनरल हैं, ताकि अगर वो अपने लेबल पर लिखना चाहे कि भाई मेरे आम के अंदर ये गुण है, मेरे अमरूद में ये गुण है, मेरी लीची में ये गुण है, मेरे गेहूँ में ये गुण है, तो वो लिख सके, तो उससे आपके माल की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि कस्टमर कहेगा अच्छा आपने ये सारे गुण बता दिए, मुझे तो भाई मैं एनीमिक हूँ, मुझे तो आयरन रिच चाहिए, तुम्हारी वैरायटी में आयरन ज़्यादा है तो मैं वही खरीदूंगा, फिर क्यों खरीदूंगा दूसरा। तो ये भी हम कोशिश करें कि करेक्टराइजेशन के लिए फ़ीस का पैसा ना लें उनसे, और उनको कोशिश करके या तो कम खर्च पर या तो बिना खर्च के काम करें। कंपनियाँ हैं तो आप चाहें उसमें इक्विटी ले लें 2-4% और उनको सपोर्ट दे दें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अंत में 2-3 सुझाव और हैं जो मैं देना चाहता हूँ, जो किसानों को बहुत मदद करेंगे, किसानों का जो विज्ञान है उसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अभी किसानों के पास जितने भी यंत्र हैं किसी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, सारे मैकेनिकल यंत्र हैं। तो अगर वो बीज बो रहा है तो उसको पता नहीं लग रहा कि बीज कितनी गहराई पर गिर रहा है, कोई सेंसर नहीं है, डेप्थ सेंसर नहीं है किसी प्लाव के अंदर, किसी प्लाव में डेप्थ सेंसर नहीं है। तो एक ज़रूरत यह है कि जो इंटेलिजेंस है वो हर चीज़ में लानी पड़ेगी आपको, फिर किसान को पता। मैं हम हरियाणा के शोध यात्रा में थे महेंद्रगढ़ में, तो एक चाय की दुकान पे बैठे थे, थक गए थे, चाय पी रहे थे, तो हमने बोला भाई किसी ने कुछ नया किया होगा, बहुत देर किया तब बताया सब, एक किसान है जो साइकिल से बुवाई करता है, साइकिल के अंदर उसने ऊपर लगा दिया क्लिप, नीचे पाइप है, साइकिल लेके चल रहा है, बीज गिर रहा है नीचे। हमने कहा भाई मिलवाओ उससे, भेज बुलवाया उसको, बात की, बोले कैसे भाई कितनी खेती है, बोले खेती मेरे पास काफ़ी है, ट्रैक्टर है, बोला हाँ ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर है, फिर बुवाई तुम करते हो साइकिल से, बोला हाँ सर क्यों करते हो भाई, बोला सर ऐसा है कि बाजरे का बीज अगर थोड़ा गहरा गिर जाए तो टिलरिंग उसकी कम होती है 15-20%, ट्रैक्टर से हम बुवाई करते हैं फरो गहरी हो जाती है, बीज नीचे गिरता है, बीज नीचे गिरता है तो उसकी जो सिट्टे आते हैं ना सब वो कम हो जाते हैं, कम हो जाएंगे तो मेरी पैदावार कम हो जाती है। अरे बाप रे बाप, तो बोला मैं साइकिल से करता हूँ तो सही गहराई पर गिरता है, टाइम लगता है थोड़ा सा लेकिन मेरी पैदावार 20% का मेरा जो नुकसान होता था ना बच गया। अब आप सोचिए तो क्या कह रहा है ये किसान, हरियाणा का किसान, जहाँ ट्रैक्टर की कोई कमी नहीं है वहाँ वो साइकिल का यूज़ कर रहा है, तो मतलब कुछ उसने डेप्थ का कोई रोल होगा तभी तो उसने महत्व दिया इस बात का, तो हमने तो नहीं दिया महत्व इस बात का, मालूम तो सबको एग्रोनॉमिस्ट को मालूम है ये बात, लेकिन हमने कोई यंत्र नहीं बनाए। तो हम लोग कोशिश करें कि किसानों के साथ जब बैठते हैं ऐसे किसानों के साथ, तो उनके पेन पॉइंट्स को भी इन्वेंटराइज, कल आपके पास टाइम है थोड़ा टाइम है, तो उनकी जो अनमेट नीड्स हैं, उन्होंने काम किया अच्छा हमने बुलाया बड़ी अच्छी बात है, अब आप ये बताओ कि आपको आगे क्या चाहिए, क्या क्या दिक्कतें हैं जिसके अंदर हमें काम करना चाहिए, फिर हम आपको बताएंगे हमें क्या क्या दिक्कत है जहां आपको काम करना चाहिए, जहां हमने हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही वो हम बताएंगे, जो आपसे नहीं सॉल्व हो रही आप हमें बताओ। अब देश के 18 राज्यों के लोग आए हुए हैं, उनकी अगर आपने पॉइंट्स ले लिए तो खाली ये यूनिवर्सिटी
18 राज्यों पे अपने सॉल्यूशन भेज दे पाएगी ना भाई, खाली बिहार के लिए थोड़ी बनी, बिहार के तो मुख्य उद्देश्य है, लेकिन यूनिवर्सिटी तो मतलब है यूनिवर्सल नॉलेज। यूनिवर्सिटी का सिद्धांत है वो जगह जहाँ पर पूरे विश्व के लिए ज्ञान बने, वो होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट नहीं है ये, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सल नॉलेज प्रोड्यूस करने वाली जगह है जहाँ विज्ञान पैदा होता है। ये तो फार्मर साइंस कॉन्फ्रेंस है। तो वो 18 राज्यों की समस्याएं आप ले लीजिए, क्या पता वो समस्या हमारे यहाँ भी हो, हमारे यहाँ किसी ने नहीं बताई, उसने बता दी। तो मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे विद्यार्थी भी जब जाते हैं फील्ड में तो अनमेट नीड, चार काम हम लोग करते हैं, इनोवेशन क्लब बनाते हैं। जब आपके यहाँ भी इनोवेशन क्लब बनेगा हनीबी नेटवर्क का तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सर्च इनोवेशन, स्प्रेड इनोवेशन, सेलिब्रेट इनोवेशन एंड सेंस द अनमेट नीड, यानी कि ढूंढिए पहले तो जिसने नवाचार किया है, फैलाइए जो नवाचार हुआ है, उसका सम्मान कीजिए जैसे आपने आज किया है, इतने लोगों को बुलाया है, यहाँ पर आप उनको मौका भी देंगे बात करने का, क्लास में बुलाइए। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने फार्मर्स इनोवेटर को एडजंक्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गुजरात में। क्या फ़ायदा हुआ, जब वो एडजंक्ट फैकल्टी बन गए तो कोई भी कॉलेज उनको बुलाएगा तो उसका खर्चा कॉलेज देगा फैकल्टी को, जैसे फैकल्टी को बुलाते हैं तो आप फैकल्टी खर्चा देते हैं ना भाई, उनको आप ऑनरेरियम भी देंगे। फिर फार्मर आकर या जो इनोवेटर था वो जाकर क्लास में बताएगा मैंने ये इनोवेशन कैसे की। मैं अभी उनसे पूछ रहा था ना महुआ वाली बात, भाई आपने कैसे हुआ, आपके दिमाग में कैसे आया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है यार, महुआ का फूल गेहूँ के अंदर तो उन्होंने दादा बता रहे थे अपना कैसे किया उन्होंने। वो आकर विद्यार्थियों को बताएंगे तो विद्यार्थी के दिमाग में आएगा ना इनोवेशन कैसे होती है भाई, तो वो भी थोड़ा सा सोचना शुरू करेंगे, उनका दिमाग का फर्टिलाइजिंग द इमेजिनेशन, यानी कि जो हमारी सोच कल्पनाशीलता है उसकी खाद का काम करेगा ये अनुभव। ये किसान जब हमारे क्लासेस में आएंगे एडजंक्ट फैकल्टी के तौर पर, आप उनको आप तय कर लीजिए 10-15 जो अच्छे इनोवेटर्स हैं जिन्होंने कुछ अच्छी समस्याओं को हल किया अपने इस क्षेत्र के, बिहार के क्षेत्र के, उनको आप एडजंक्ट फैकल्टी बना दीजिए। बिहार के बाहर के भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, उनको बुलाइए वो आए यहाँ पर एक हफ्ता रहें स्कॉलर इन रेजिडेंस के तौर पर। राष्ट्रपति जी अपने यहाँ पहले 2 हफ्ते रखते थे, अब 1 हफ्ते रखते हैं, इनोवेटर्स को राष्ट्रपति भवन में रखते हैं मेहमान के तौर पर। हमने एक नई प्रथा शुरू करवाई है फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, आप भी बनाइए, आप वीसी के गेस्ट हैं 1 हफ्ते के लिए रहिए, जिस डिपार्टमेंट में जाना है जाइए, जिन विद्यार्थियों से आपको बात करनी है हम करवाएंगे, लैब विजिट करनी है लैब विजिट करिए, जो आपको सवाल है आपके मन में ये काम कैसे होता है जाके देखिए कैसे होता है, तो उनको ऑनर मिलेगा, उनके मन में भी सवाल आएंगे जानने के, एक अच्छी प्रथा बनेगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने इतने ध्यान से सुना है, इतनी सारी बातें मैंने कही हैं, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है हमें। जो AI की आपने बात की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हमारे हॉर्टिकल्चरल फार्म्स में इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से हमें डेटा जनरेट करना पड़ेगा हर पेड़ का। जैसे मुझे जब तक बीमारी होती है, इन्फेक्शन होता है, तो मेरे को बुखार आता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जिसमें जब इन्फेक्शन होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, पौधे लड़ रहे होते हैं उनसे। अगर मैं सेंस करूँ उस टेम्परेचर को तो मुझे पता लग जाएगा कौन से मेरी लताओं में या कौन से मेरे पेड़ों में इन्फेक्शन हुआ है, तो मैं वहीं जाके कंट्रोल कर लूँ, पूरे खेत में दवाई नहीं डालूँगा फिर मैं। तो मतलब हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे हम इंटेलिजेंस यूज़ करें, कैसे इंडिकेटर्स को डेटा को प्रोसेस करें ताकि पता लग जाए प्रॉब्लम के आने से पहले ही कि कैसी समस्या आने वाली है। बहुत सारी संभावनाएं हैं, मैं किसानों से भी अनुरोध करूँगा कि वो जो उन्होंने आपने काम किया है वहाँ रुके नहीं, और बहुत सारे समाधान, बहुत सारे नवाचार करने हैं, बहुत सारी नई नई समस्याओं का हल करना है। वैज्ञानिक कुछ चीज़ों में आपसे ज़्यादा जानते हैं, कुछ चीज़ें आप वैज्ञानिकों से ज़्यादा जानते हैं। मगरमच्छ ज़मीन पे बहुत ताकतवर है, मगरमच्छ पानी में बहुत ताकतवर है, हाथी ज़मीन पे बहुत ताकतवर है। हाथी पानी में जाएगा तो कोई ताकत नहीं, मगरमच्छ ज़मीन पे आएगा तो कोई ताकत नहीं। हम अपनी जगह पे ताकतवर हैं, हमें अपनी ताकत अपनी ज़मीन को पहचानना है। किसान सोचे किसान वैज्ञानिक कुछ नहीं जानते तो भी गलत है, वैज्ञानिक सोचें किसान कुछ नहीं जानता वो भी गलत है। दोनों की ताकत है, दोनों अपनी अपनी जगह पर ताकतवर हैं, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ हम दोनों बिना ताकत के हो जाएं वहाँ मिलेंगे तो दोनों नम्र रहेंगे। ये मंच मुझे लगता है ऐसी जगह है जहाँ पर किसान भी महसूस कर रहे हैं मुझे काफ़ी कुछ जानना है, वैज्ञानिक भी महसूस कर रहे हैं मुझे काफ़ी कुछ जानना है। इस नम्रता के आंचल में, नम्रता के आंगन में मुझे पूरा विश्वास है एक नई कड़ी बनेगी, ये नदी ज़रूर बहेगी। धन्यवाद।